हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एब्जॉर्डेट क्लाइंट फैंटेसी। वंस अगेन आज मैं आपको एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हेयर फॉल, डैंड्रफ एंड फ्रिज हेयर, ये सब को रिड्यूस करने के लिए बनाना को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इससे आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, ये सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सो विदाउट स्किपिंग द वीडियो, वॉच टिल द एंड। अच्छा, आज मैं आपको तीन तरीका बताऊंगा ये बनाना से हेयर मास्क तैयार करने के लिए, जो वो हेयर फॉल का प्रॉब्लम, डैंड्रफ का प्रॉब्लम और फ्रिज हेयर का जो प्रॉब्लम होता है, ये सब के लिए बेनिफिशियल होगा। बनाना एंड कार्ड हेयर मास्क तैयार करने के लिए आपको 1 राइप बनाना लेना है एंड उस ये बनाना को काट करके अच्छे से ब्लेंड करना है एंड मेक श्योर दैट देयर इज नो लम्स। इसके बाद आपको 2 to 3 tablespoons ऑफ कार्ड ऐड करना है एंड इसके साथ 2 to 3 drops ऑफ ऑयल भी ऐड करना है, या आप कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, जो भी आप मन चाहे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसको 15 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। ये 15 मिनट्स के बाद ये आप हेयर का रूट से टिप तक अप्लाई कर सकते हैं एंड सावर कैप से इसको कवर करके 30 मिनट के बाद आपको माइल्ड शैम्पू और ल्यूक वाटर से आप इसको वॉश कर देना है। एक्चुअली बनाना एंड कार्ड हेयर मास्क ये एक अच्छा नेचुरल कंडीशनर की तरह हेयर के लिए काम करता है, जो डल फ्रिजी हेयर है उसमें शाइन एंड मॉइस्चर भी ऐड कर देता है। बनाना एंड हनी हेयर मास्क तैयार करने के लिए आपको 2 राइप बनाना लेना है, उसके साथ 2 tablespoons ऑफ हनी चाहिए। इसको अच्छे से ब्लेंड करके आपको 10 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट्स के बाद ये रेडी हो गया आपको हेयर में अप्लाई करने के लिए। ये आप ब्लास्ट से भी अप्लाई कर सकते हैं, हैंड से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद इसको सावर कैप से अच्छे से कवर करके रख देना है। 30 मिनट के बाद ये आपको कोई माइल्ड शैम्पू और ल्यूकवार्म वाटर से आपको वॉश करने हैं। बनाना एंड हनी नरिश द स्कैल्प एंड हेयर फॉलिकल, इट ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन द नेचुरल हेयर इलास्टिसिटी एंड प्रिवेंट द ब्रेकेज ऑफ स्प्लिट एंड। सो ये मास्क भी हेयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बनाना एंड एलोवेरा मास्क तैयार करने के लिए आपको 2 medium sized बनाना लेना है, उसके साथ 1 aloe vera लीफ लेना है। वो लीफ से जो पल्प है उसको निकल के ये बनाना पेस्ट के साथ अच्छे से मिक्स करके इसको भी कुछ टाइम के लिए 10 to 15 minutes के लिए इसको रख देना है। इसको भी आप अप्लाई करके 30 to 45 minutes के बाद कोई माइल्ड शैम्पू और ल्यूकवार्म वाटर से वॉश कर देना है। जो 3 hair mask मैंने आपको बताया, ये हेयर फॉल, हेयर डैंड्रफ और जो फ्रिजी हेयर जैसा प्रॉब्लम होता है, ये सब के लिए ये बेनिफिशियल होगा। पर ये बनाना हमारे हेयर के लिए इतना बेनिफिशियल क्यों है? क्योंकि बनाना पोटासियम एंड सिलिका रिच होता है, जो हेयर के लिए एक सुपर फूड की तरह काम करता है। कैसे ये हो सकते हैं सुपर फूड? ये जो सिलिका है ना, ये ऐसा मिनरल है जो कोलाजन प्रोड्यूस करता है एंड हेयर को बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड थिक होने में हेल्प करता है। और उसके साथ बनाना में विटामिन B6 भी है, जो हेयर की ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। इसके अलावा बनाना में एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी है, जो स्कैल्प का जो इरिटेशन होता है एंड डैंड्रफ जैसे प्रॉब्लम के से भी ये रिलीफ देता है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा और उसके साथ साथ ये सारी मास्क आप अप्लाई करके आपका क्या रिजल्ट मिला, ये भी जरूर कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए। उसके साथ साथ नेक्स्ट टाइम इसी तरह से वीडियो अपडेट पाने के लिए मेरा चैनल का जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।